पूछो सर, क्या पूछ रहे हो आप? मालिक आ गए भैया, देखो मैं यही कह रहा था, मैं यही कह रहा था कि मालिक कहाँ आएंगे। मालिक इज दैट साइड। हाँ आ जाओ मालिक। सचिन सर, छुपे हुए मालिक। अरे सर, सचिन सर वैसे बोल के गए बैच में कि सर आ क्या रहे हैं। हैं आप? पहले से अनाउंस कर रहे थे आप। अभी कौन से बैच से? लक्ष्य में ये है प्रयास 2.0। अरे तो डेंजरस बैच है, तो सबसे ज्यादा रिजल्ट आते हैं यहाँ से। सबसे ज्यादा इस साल कैसा चल रहा है इनका? बढ़िया चल रहा है सर एकदम। सचिन सर थोड़े परेशान रहते, बच्चे भी लिख रहे थे। मैं क्यों परेशान रहता हूँ? सचिन सर को परेशान कर देते हैं। तो प्रयास में शाम की क्लास नहीं है? ये शाम वाली तो चल रही है, सुबह की क्लास नहीं चलती? सुबह वाली भी चार चल रही है ना इनके भी। वैसे अब सच्चाई बताने पे आए तो फिर चार चल रही है, बहुत रोएंगे अभी। चार क्लासेस कब से लगा गए इनकी? ये तो शुरू से ही चल रही है, मतलब शुरू में पहले तीन थी फिर अभी चार हो। नहीं उसका फायदा ही नहीं कोई है, सिलेबस अभी जब नवंबर स्टार्ट होगा ना तब तीन हो जाएगी वापस। इनऑर्गेनिक खत्म हो जाएगा। नंबर ऑफ रिजल्ट सबसे ज्यादा प्रयास टू से आते हैं, अभी हम लोग सुबह भी यही डिस्कस कर रहे थे। बढ़िया सर, कहाँ पहुंचे इन लोग अभी? अभी ये लोग अच्छा कर रहे हैं। बढ़िया, आपके सब्जेक्ट में सर अच्छा ही कर रहे हैं। नहीं मतलब इस टाइम पे ये एफर्ट कर पा रहे हैं वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि चाचा क्लासेस चल रही है, फिर उसका नोट्स। सर एक बात बताओ, जो इस समय तक टिक गया इस बैच, हाँ वो सिलेक्ट हो गया है? बिल्कुल बिल्कुल, लगातार चलता रहे जो टिक गया। देखो 150 नंबर तुम्हारे आ जाएंगे, 150 नंबर 160 नंबर पे तुम्हारी रैंक तो बनी जाएगी, सेलेक्ट हो जाओगे। रैंक नहीं बनेगी बहुत अच्छी, बट आईआईटी का टिकट तुम्हारा क्लियर हो जाता है। और 150-160 लाना टफ नहीं होता है, अगर तुम टारगेट कर लो और पेपर देते रहो तो 150-160 इज समथिंग यू कैन स्कोर। अब जब बोलते हो 210-220 तो वहां से फिर कंपटीशन स्टार्ट होता है। और दूसरा अभी इनके पास टाइम कम है, पेपर वन के बाद में इनके पास टाइम ही टाइम है, कुछ भी कर सकते हैं। अगर ये फर्स्ट के बाद हिम्मत नहीं हारेंगे ना तो बढ़िया परफॉर्म करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही। नहीं आप सभी को हैप्पी दिवाली, आपकी क्लास को खत्म होगी बाहर, टीचर्स कैच पार्टी वार्टी चल रही है दिवाली की, हो जाएगी अभी थोड़ी देर। बढ़िया बढ़िया, मैं बाकी लोगों से भी मिलता हूँ। हैप्पी दिवाली भाई सभी को, और थोड़ा सैक्रिफाइस आप भी कर रहे हो, सबसे बड़ी बात टीचर्स भी बहुत सैक्रिफाइस कर रहे हैं। देखो पूरी दिवाली में एकदम कड़ी दोपहर की दिवाली में लाइव क्लास। और अच्छा बोलूं? नहीं नहीं मैं तो यही कह रहा हूं, हम तो वो भी तैयार है कि भाई दिवाली वाले दिन भी बोले सर दिवाली वाले दिन तो नहीं पढ़ाओगे ना? मैं देख सकते हैं भाई, मैं तो ये भी हिंट दिया, मैं कुछ लोगों ना घर पे लगा हुआ है तो बच के रहना, मैं तो नहीं पढ़ाऊंगा। बाकी बैच का मुझे नहीं पता, प्रयास में तो हो सकता हो प्योर दिवाली वाले दिन भी पढ़ाई हो भाई। आईटी का एग्जामिनेशन ऐसा ही होता है, और सारी दिवाली आईटी में बनेगी, इसके बाद अच्छे कॉलेजेस में बनेगी। बढ़िया है, लव यू भाई, हैप्पी दिवाली सभी को। सर आप पढ़ाओ, डिस्टर्ब नहीं करेंगे ज्यादा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच पंकज सर। थैंक यू सर, आपने जगह जगह प्लेटफॉर्म दिया, इतना समय दिया आपने। हाँ नहीं नहीं मंच लेते रहते हैं आप लोग, मंच तो खूब ही है। हाँ भाई तो ये सरप्राइज था, तुम्हें पता नहीं था, तुम्हें जरा सा आइडिया नहीं लगा क्या? क्यों थोड़ा समझ लिया करो, जो हो रहा है वो कुछ ना कुछ उसके पीछे का कारण है। आज आज हम यहाँ क्यों क्लास लेने आए थे? मैंने अभी बोला नहीं था, रास्ते से घर जा रहे थे तो बीच में बुला लिया गया, तो वो मुझे तो पता था कि अलग सर आएंगे, क्योंकि उन्होंने बोला था कि आप यहीं से क्लास ले लो, मैं बच्चों से मिलना चाहता हूँ, तो ये खेलता। तो भैया बोल के गए, तारीफ मैंने कर दी है तुम्हारी, है ना, पढ़ाई करना है। आओ जरा ये समझ लेना जरा,